गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर जस्ट मैंने अभी कंप्लीट कर लिया। सो ये ग्रेविटेशन प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और यहाँ पे 21 नंबर वीडियो है ये, ठीक है। आपको इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर मैंने अभी कंप्लीट किया और सॉलिड स्फीयर पर अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा रिंग एंड डिस्क, ये फोर ऑब्जेक्ट, एंड देन ग्रेविटेशन फाइनल 100% फाइनल हो जाएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर। अच्छा, ये सॉलिड स्फीयर, डिस्क, रिंग, ये सब सिर्फ IIT एडवांस के लिए और IIT मेन के स्टूडेंट के लिए। मेडिकल में जो था होलोस्फेयर तक पढ़ना था आपको, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, एम्स के स्टूडेंट हैं, होलोस्फेयर तक आपको पढ़ना था। वहाँ क्वेश्चन था 3 और 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो आप कंटिन्यू करेंगे, सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे। अदरवाइज ये आता है IIT मेन के क्वेश्चन के लिए और IIT एडवांस के लिए। कुछ बेस्ट क्वेश्चन के लिए सॉलिड स्फीयर पढ़ना आपको। आप मेडिकल गए तो सीख सकते हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोस्टैट में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉलिड स्फीयर तो पढ़ना है, और रिजल्ट तो सेम है, जो इलेक्ट्रोस्टैट का रिजल्ट है वही ग्रेविटेशन में रिजल्ट है, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग भी। अभी वही जैसे हॉलो स्फीयर पढ़े वैसे ही सॉलिड स्फीयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैट, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करते हैं और उसी से रिलेट करेंगे। सो नंबर वन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट, ये 12th क्लास है, सो मैं रिजल्ट उसका यूज करूंगा और इसी को अप्लाई कर दूंगा मैं ग्रेविटेशन में। कुछ आप चाहेंगे तो मैं डेराइव करके दिखा भी सकता हूं आपके लिए, ठीक है। सो मैं दिखा दूंगा, थोड़ा मैथ यूज होगा, अदरवाइज आप रिजल्ट को रिलेट करना सीखेंगे, ठीक है। सो आप बनाएंगे नंबर वन, आप ये ऐसे फिगर बना लेंगे, और इसमें चार्ज को ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे चार्ज क्यू है और रेडियस आर, ये सो सॉलिड स्फीयर है, ये पूरा एकदम अंदर में भरा हुआ है। तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे इनसाइड पॉइंट के लिए। अभी मैं सेंटर का लिख रहा हूँ, ये सेंटर हुआ, ये सरफेस हो गया, और मैं कोई भी इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट ए, पॉइंट ए ले लेंगे स्मॉल आर। इस पॉइंट में मैं फील्ड और पोटेंशियल लिख दे रहा हूँ। फिर आउटसाइड, आउटसाइड तो इजी, आउटसाइड तो हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर एक जैसा ही होता है। तो आप लिखेंगे 4 इनसाइड पॉइंट, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इनसाइड पॉइंट ए के लिए बात कर रहे हैं, जहां स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, ये थोड़ा रिजल्ट अलग होता है। मैं इलेक्ट्रोस्टैट में डेराइव कर दूंगा, ग्रेविटेशन मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं कि कैसे डेरिवेशन होता है, क्योंकि ये थोड़ा याद करने में गड़बड़ हो जाता है, मुझे भी याद रहता नहीं है, तो मैं जब भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है फट से मैं डेराइव कर लेता हूँ। तो अभी मैं लिखते रहूँ यहाँ पे, ये है कैपिटल क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे में आर क्यूब होता है, ऊपर में होता है 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप ये एक रिजल्ट लिख लें, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट इनसाइड पॉइंट एट पॉइंट आर। सो नीचे में कैपिटल आर क्यूब है, रेडियस है, ऊपर में 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है।
कैसे आता है मैं ग्रेविटेशन में डिराइव कर दूंगा, क्योंकि रिजल्ट बड़ा है इसमें याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं डेरिवेशन सिखा दूंगा इसका ग्रेविटेशन में, अभी सिखा दूंगा। कुछ पॉइंट अभी लिखने दीजिए, मैं इसका सिखा दूंगा आपको। अच्छा, फील्ड, फील्ड एट पॉइंट ए वो हो जाएगा आपका क्यू स्मॉल आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। इनसाइड पॉइंट में फील्ड जो है वो ऐसे यूज करना। इनसाइड पॉइंट के लिए फील्ड आप देख लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आउटसाइड तो एकदम आसान है, आउटसाइड स्टैंडर्ड है। आउटसाइड के लिए सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर एक जैसा। नेक्स्ट पॉइंट टू, पॉइंट बी स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो गया। सो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है और मुझे आउटसाइड पॉइंट करना है, तो ये तो एकदम आसान है, लिख लेंगे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। आउटसाइड पॉइंट भी पॉइंट बी स्मॉलर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ऐसे सिस्टम में मैंने बोला था कि आप इमेजिन करें, ऐसे सिस्टम में आप इमेजिन करना है कि होल चार्ज जो है होल चार्ज कैपिटल क्यू प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, या हॉलो है तो हॉलो स्फीयर के लिए आपको ऐसे इमेजिन करना है कि पूरा चार्ज सेंटर पे बैठा हुआ है और पूरा चार्ज सेंटर पे है और ये पॉइंट बी है और यहाँ से डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट ओ पे, क्यों आउटसाइड पॉइंट हॉलो या सॉलिड दोनों का एक जैसा होता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट नोट करेंगे यहाँ पे, यहाँ अगर आप प्लस वन रख रहे हैं तो प्लस वन चार्ज रखेंगे। सो यहाँ पे आप फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया, फील्ड इस साइड हो गया, नाउ पुट कर लेंगे। सो पोटेंशियल एट पॉइंट बी, सो सिंपल सा रिजल्ट, ये तो क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और फील्ड एट पॉइंट बी Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हो गया रिजल्ट, ग्राफ प्रेजेंट कर लें इसका, इसको ग्राफ कर लें, पहले इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट कर लें, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैट में भी खूब यूज होता है। अब ग्राफ प्रेजेंट करेंगे एंड देन उसके बाद इसी को रिप्लेस करेंगे हम लोग ग्रेविटेशन में। सो ग्राफ आप बना लें, थर्ड पॉइंट फील्ड के लिए और पोटेंशियल के लिए। तो फील्ड देखेंगे आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ेंगे तो देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए थे इनसाइड, अगर आप अंदर में इस पॉइंट में तो इस जोन में फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया था, हम लोग अभी डिस्कस किए थे, और इसके बाहर वाले जोन में फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर ऐसे।
चेक करेंगे, आउटसाइड देखिए, आउटसाइड फील्ड 1/r², इनसाइड फील्ड जो इनसाइड जो था आपका ऐसे, हम लोग पढ़े हुए थे कि अंदर में जो फील्ड है इनसाइड फील्ड जो है वो था क्यू और ऊपर में आर डिवाइड बाई 4πε₀r हम लोग डिस्कस किए थे, सॉरी कैपिटल आर क्यू। सो ये हम लोग पढ़ चुके हैं इनसाइड फील्ड अंदर में फील्ड। तो ये अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा ग्राफ में, अंदर में स्ट्रेट लाइन, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन पास करेंगे, बाहर में है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये हो जाएगा, ऐसा होगा। नेक्स्ट, अगर आप पोटेंशियल के लिए पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो देखिए इनसाइड अंदर में जो पोटेंशियल था अंदर के लिए पोटेंशियल, वो मैंने बोला था कि यहाँ थोड़ा सा बड़ा सा रिलेशन है क्यू था और 8πε₀ था, आर क्यूब था और ये है 3R²-r², तो ये फंक्शन जो है वो इनसाइड के लिए ये एक पैराबोलिक फंक्शन है क्योंकि ये है वी हुआ और हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है वी में पोटेंशियल और स्मॉल आर में प्लॉट करना है, तो ये है वी, उधर है आर स्क्वायर वो भी माइनस साइन के साथ, तो ये एक पैराबोलिक फंक्शन है, पैराबोलिक कुछ ऐसा, इस जोन में पैराबोला ऐसे होते जाएगा, ठीक है, डाउन जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ नीचे पैराबोला, और इसके बाद जो है आउटसाइड जाएंगे, आउटसाइड में यहाँ देख रहे हैं आउटसाइड पॉइंट में वी और 1/r, आउटसाइड के लिए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसा पॉइंट हो गया आउटसाइड के लिए, देखिए आपका तो इनसाइड नाउ पैराबोला क्योंकि वी और यहाँ पे है आर स्क्वायर, साइन निगेटिव है तो ये लेफ्ट साइड वी राइट साइड आर स्क्वायर निगेटिव साइन, तो पैराबोलिक फंक्शन है, नीचे की तरफ जाएगा और उधर जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये काफ़ी फेमस ग्राफ है, ये ग्राफ सब में पूछा हुआ है, 12 में भी पढ़ेंगे आप, वहाँ डेरिवेशन भी मैं सिखा दूंगा, आप नोट करेंगे यहाँ पे, ये जो रेड कलर ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल हो गया। तो ये है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक, 12th क्लास में भी पढ़ना है, 11th क्लास में भी है, इसी में अब रिप्लेस मैं करूंगा, जो आपका चार्ज है उसके जगह मास कर दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह ग्रेविटेशन आ जाएगा, सब कुछ ग्राफ सेम रहेगा, पोटेंशियल निगेटिव होने वाला है, मैंने बताया था हॉल स्फीयर में वही चीज़ सॉलिड स्फीयर में, आप लगाइए अपने से कंप्लीट करिए सेकंड पॉइंट पे और मैं नोट कराता हूँ, आप ग्राफ बनाए इसको। सो नेक्स्ट, ग्रेविटेशन में आप अप्लाई करेंगे इसी चीज़ को, यही रिजल्ट जो आपने अभी नोट किया है इसको आप अप्लाई करेंगे ग्रेविटेशन में। सो सेकंड पॉइंट, सो फॉर ग्रेविटेशन फर्स्ट पॉइंट ग्रेविटेशन में हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्फीयर या लिखा रहेगा यूनिफॉर्म स्फीयर भी लिखा रहेगा, जो सॉलिड स्फीयर है या यूनिफॉर्म स्फीयर या मास लिखा रहेगा कैपिटल एम और रेडियस रहेगा सेंटर है और रेडियस है आर। सो सॉलिड स्फीयर लिखा रहेगा पेपर में,
या यूनिफॉर्म स्फीयर, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ यूनिफॉर्म स्फीयर, आपको मानना है सॉलिड स्फीयर ही है। हॉलो रहेगा तो हॉलो लिखना पड़ता है उनको, या स्फेरिकल सेल लिखते हैं पेपर में, बट कुछ नहीं लिखा रहेगा। ऐसे भी कई वैरायटी में आता है कि यूनिफॉर्म स्फीयर, सो यूनिफॉर्म स्फीयर, ठीक है, ऐसा आता है यूनिफॉर्म स्फीयर। हम लोग बात करना है इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट के लिए, सो चलिए लिखते हैं हम लोग। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट ए है सेंटर से आर डिस्टेंस पे, इनसाइड पॉइंट ए, सो पॉइंट ए जो इनसाइड पॉइंट है, और इनसाइड पॉइंट ए पे हम लोगों को डिस्कस करना है, जैसे हमें फील्ड लिखना है और पोटेंशियल लिखना है, सो वहाँ है रिजल्ट इनसाइड पॉइंट के लिए। देखिए इनसाइड के लिए फील्ड भी है पोटेंशियल है, तो फील्ड, फील्ड में तो साइन चलेगा वही, पोटेंशियल में साइन निगेटिव होता है, तो फील्ड में एट पॉइंट ए बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं रिप्लेसमेंट, आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल नहीं, ये तीन लाइन में लिखता हूँ, तो तीन लाइन का मतलब इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं, उसको रिप्लेस करना है, चार्ज को रिप्लेस करना है मास से, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट हम लोग लिखेंगे। सो लिखते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनसाइड के लिए लिखा हुआ है, तो उसके जगह जी, नेक्स्ट कैपिटल एम, नेक्स्ट आर, नेक्स्ट आर क्यूब, ये है, ये मैं डिराइव कर दूंगा आपका ग्रेविटेशन सॉलिड स्फीयर के लिए, मैं कर दूंगा डेरिवेशन, है आसान, मैं सिखा दूंगा, बट यूज तो मैथ ही करना पड़ेगा ना, डेरिवेशन में मैथ यूज करेंगे, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, अब इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल लिख लेंगे, इनसाइड पॉइंट पोटेंशियल ध्यान रखना है ग्रेविटेशन पढ़ रहा है तो निगेटिव रहेगा, ये रिजल्ट है, यहाँ देखिए 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ऊपर में जी बाय टू हो जाएगा, ऊपर में जी और टू, सो ऊपर में हो गया जी एम, ये है जी हुआ और एम, नीचे में टू हो गया, नीचे में टू क्योंकि फोर होना चाहिए ना, तो टू बच जाएगा, टू और आर क्यूब, और यहाँ पे राइट साइड 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ओके, देखिए इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल नेगेटिव, आउटसाइड तो एकदम इजी है, आउटसाइड पॉइंट के लिए आप जानते हैं, आउटसाइड पॉइंट के लिए वो तो सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर एक जैसा होता है, सो नोट कर लेंगे, यहाँ भी फील्ड लिख सकते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए, फील्ड जो है इनसाइड पॉइंट के लिए प्रोपोर्शनल टू आर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट फॉर आउटसाइड पॉइंट, सो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर या यूनिफॉर्म स्फीयर, आपने से रिजल्ट बना लीजिए, ग्राफ भी कर लीजिए, अपने से कंप्लीट करिए, आउटसाइड पॉइंट ठीक है, आउटसाइड पॉइंट बी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इमेजिन आपको करना है कि होल मास ऑफ बॉडी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर और पॉइंट बी है और यहाँ से डिस्टेंस आर है, ऐसे इस तरह से आप इमेजिन करिए, हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर के एक जैसा होता है। नेक्स्ट आप फील्ड एट पॉइंट पी, ये तो हो जाएगा सिंपल जी एम बाई आर स्क्वायर,
फिल्ड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू माइनस, आउटसाइड है ना, आउटसाइड तो जस्ट पॉइंट मास के चलते तो माइनस तो लिखना है, माइनस जी एम बाई आर। प्लॉट करिए, ग्राफ प्लॉट करिए, ग्राफ भी तो आपको जानना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम ग्रेविटेशन, ग्राफ ना लेंगे आप, थर्ड पॉइंट यूनिफॉर्म इस पे ये है। चलिए इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, मैं इसको इनसाइड के लिए लिख देता हूं आपको कि इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए जो फील्ड है वो इनसाइड के लिए है जी एम स्मॉल आर बाई आर क्यूब। देखिए इनसाइड के लिए, इन साइड के लिए अंदर में पोटेंशियल माइनस जी एम थ्री कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू और आर क्यूब। चेक करिए, बाकी प्लॉट करेंगे इन साइड के लिए आउटसाइड के लिए, जो आपने चार्ज के लिए प्लॉट किया है वही मास के लिए भी होगा, बस पोटेंशियल निगेटिव होगा, पोटेंशियल उल्टा हो जाएगा। सो एक्सिस बना लेंगे, आपका एक्सिस तो एक्सिस ऐसे जाएगा, ये आर पोटेंशियल। देखिए इनसाइड पॉइंट के लिए आप सेम वही कॉन्सेप्ट है कि फील्ड जो है इनसाइड पॉइंट के लिए आर ऐसा है ना, आर आउटसाइड पॉइंट के लिए जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। आउटसाइड के लिए देखिए वहां लिखा हुआ है ऐसा, सॉरी नेक्स्ट द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तो दोनों में एक जैसा रहेगा, पोटेंशियल बस साइन जो होता है ना इसमें, साइन जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइन के चलते कॉन्सेप्ट आपका है वही चीज है, ग्राफ वैसे ही रहेगा, वैसे ही आपका पैराबोला रहेगा और यहां के बाद ऐसे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो नेगेटिव साइन के चलते इसको बना लीजिएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही। लिख लेंगे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गया ग्राफ। ये तो ऐसे भी याद रहता है, देखिए ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ जैसे ये याद रहता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैंने बोला था कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और आप पढ़ चुके हैं, ये तो लेक्चर वन में ही आपने ये ग्राफ कर लिया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एग्जाम में पूछा हुआ है, एम्स में भी, नीट में भी, आईटी मेन एडवांस सब में पूछा हुआ है कि अगर आप इमेजिन करें कि ये अर्थ को, आप अर्थ को सोचें ऐसे, तो ये ग्राफ ऊपर वाला तो याद ही रहता है कि ये अर्थ जो है, तो आप जानते हैं कि अर्थ क्या है, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर हम लोग पढ़े हुए हैं,
अर्थ एक सॉलिड स्फेयर हो गया, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर हुआ। और अगर आप इसमें प्लॉट करेंगे सो ऐसे प्लॉट करेंगे, अगर यहाँ पे स्मॉल आर, जैसे ये है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ये है स्मॉल आर का, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लॉट करना हो तो आप पढ़े हुए थे सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होगा और जैसे जैसे इधर जाएंगे स्ट्रेट लाइन जाएगा, उसके बाद ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। सो इन्फाइनाइट पे स्पेस में जाएंगे ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होता और यही ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही तो कहता कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। देखिए सेम ग्राफ हो तो ये तो पहले भी पढ़ा हुआ और हर पेपर में आया हुआ, मेडिकल में दो दो बार पूछा हुआ, ठीक है। सो यहाँ आप जानते हैं कि इन साइड पॉइंट के लिए जी प्रोपोर्शनल टू आर पढ़ा हुआ आपका, ये तो लेक्चर 1-2 में ही पढ़ चुके हैं, और जी प्रोपोर्शनल टू 1/r². सो ये जी जो आप पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इसी को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, जो आप लास्ट क्लास यूनिट डायमेंशन से भी देखे थे आप। सो यहाँ पे जी लिख लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो आप साइंस में रिलेट करेंगे तो आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीजें तो पहले पढ़ा हुआ है, वो तो वही है अर्थ सरफेस से आपको अर्थ है, ये एक सॉलिड स्फीयर हुआ, अर्थ का रेडियस आर है, अर्थ का मास एम है, तो रिजल्ट पहले पढ़ा हुआ है तो उसको रिलेट कर लीजिए, ग्राफ आपको रिलेट कर लीजिएगा जो हर एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट मैं अभी प्लान करता हूँ ना, ये क्वेश्चन मैं जो आईटी में आया हुआ है, आईटी मेन में है क्वेश्चन, वो मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ और फिर मैं आपको डिराइव कर दूंगा, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये बड़ा रिजल्ट है, थोड़ा याद करना पड़ता है, तो मैं साइंस को कभी बोलता नहीं हूँ कि याद करना है आपको, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो चाहे मैथ जो भी है, साइंस को समझना होता है, तो मैं समझा दूंगा कि अगर आप भूल जाएं एग्जाम में तो तुरंत कैसे बना लेंगे वो मैं बता दूंगा आपको। तो पहले मैं क्वेश्चन कर लूं इसका, तो रिजल्ट तो हो गया, क्या क्वेश्चन आया हुआ है इसमें वो डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं प्रूफ कर दूंगा उसको। सो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये मैंने कंप्लीट कर दिया, डेरिवेशन मैं डिस्कस कर दूंगा बट लास्ट में। सो थर्ड पॉइंट, सो छोटा सा क्वेश्चन है, आईटी मेन का क्वेश्चन है आपका, आसान से क्वेश्चन है। सो आईडी मेन का क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम और रेडियस ए, एक सॉलिड स्फीयर है, स्टेटमेंट लिखा हुआ कि एक सॉलिड स्फीयर और इसका मास एम है और रेडियस ए है। सराउंडेड बाई, ये लिखा हुआ कि सराउंडेड बाई अनदर हॉलो स्फीयर, ये दोनों मिक्स कर दिया गया बट आसान क्वेश्चन, काफी इजी है। सो सराउंडेड बाई हॉलो, एक हॉलो स्फीयर लिखा हुआ और हॉलो स्फीयर का मास लिखा हुआ 2m और हॉलो स्फीयर का रेडियस लिखा हुआ है आपका 2a, ठीक है। और एक पॉइंट पी, पॉइंट पी यहाँ है, ठीक है, पॉइंट पी ऐसा लिखा हुआ, स्टेटमेंट है,
फिगर आपको ड्रॉ करना होता है स्टेटमेंट देखा कि मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा लास्ट में इस लेक्चर के लास्ट में, जैसे हर वीडियो के लास्ट में या बीच बीच में क्वेश्चन में ऐड करता हूं तो मैं ऐड कर दूंगा क्वेश्चन। सो यहां लिखा हुआ थ्री डिस्टेंस थ्री सेंटर से डिस्टेंस थ्री ठीक है। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, ग्रेविटेशनल क्या लिखा हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस थ्री फ्रॉम सेंटर। सो ई चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी। तो आसान से क्वेश्चन है आप बना लेंगे, सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर मिक्स किया हुआ है और आउटसाइड के लिए तो बहुत ज्यादा आसान होता है। सो हम लोगों को चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी इस जगह चाहिए। देखिए आप एकदम इजी आउटसाइड पॉइंट तो मैंने बोला था कि आउटसाइड पॉइंट सबसे आसान होता है। आप अगर सॉलिड स्फीयर ले लेंगे तो सॉलिड स्फीयर को आप इमेजिन करिए कि ये सेंटर पे सॉलिड स्फीयर का मास m है और यहां से इस जगह पे जो पॉइंट p है यहां डिस्टेंस है 3 है, ऐसे सोचें ये सॉलिड स्फीयर हो गया। इमेजिन ऐसे करना सॉलिड स्फीयर के लिए, और हॉलो स्फीयर के भी बाहर है तो हॉलो स्फीयर के लिए भी ऐसे मानेंगे कि अगर हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर के लिए भी ऐसे मान लेंगे कि ये पॉइंट ओ है जहां मास उसका मास 3m है 2m सॉरी मास 2m हॉलो स्फीयर और सारा मास सेंटर पे फोकस करेगा और यहां से भी डिस्टेंस जो है वो 3 है और इस जगह आपको फील्ड निकालना है ठीक है। फील्ड दोनों जोड़ना है आपका फील्ड, इसका भी फील्ड इधर रहेगा और इसका भी फील्ड इधर रहेगा, दोनों फील्ड इधर ही है ठीक है, जोड़ लीजिए आपका क्योंकि ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होता है ना तो अट्रैक्शन फील्ड इधर होगा। तो वेक्टर नहीं चाहिए बस मुझे रिजल्ट चाहिए, ये तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं रिजल्ट। सो जी और एम आर डिवाइड बाई 3a का स्क्वायर प्लस जी और एम, एम की जगह 2m कर लेंगे और डिवाइड बाई 3a स्क्वायर कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पे आएगा 3 और 3 जी एम बाय 9 सो सॉल्व करेंगे जी एम बाय 3 है इसको ऑप्शन में रहेगा सो काफी आसान है ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा हुआ यूनिफॉर्म स्फीयर, एक यूनिफॉर्म स्फीयर लिखा हुआ ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर लिखा हुआ ठीक है। यूनिफॉर्म स्फीयर में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको मानना है सॉलिड स्फीयर, पेपर में लिखा हुआ यूनिफॉर्म स्फीयर तो नहीं लिखा रहेगा कुछ दिया नहीं रहेगा तो आपको मानना है सॉलिड स्फीयर। मल्टीपल क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आंसर आपको प्रेजेंट करूंगा, मतलब जो ऑप्शन दो है वो मैं यहाँ लिख दूंगा आप बनाएंगे। सो लिखा हुआ है ई वन ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस आर वन फ्रॉम सेंटर, सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस आर वन फ्रॉम सेंटर और ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस आर टू फ्रॉम सेंटर ई टू लिखा हुआ था। आर टू फ्रॉम सेंटर ये लिखा हुआ था, ये पेपर में दिया हुआ था आपको। और यूनिफॉर्म स्फीयर जिसका मास लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्फीयर में यहाँ मास कर लेंगे एम कैपिटल आर कर लेंगे रेडियस आपका। अब ऑप्शन देखिए नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन लिखा हुआ था बट मुझे 4 ऑप्शन नहीं लिखना है, 2 ऑप्शन बस मैं दूंगा उसमें आप आंसर बना लेंगे।
मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा. सो ऑप्शन ए, ठीक है, अगर इफ आर वन लेस देन कैपिटल आर एंड आर टू लेस देन कैपिटल आर, सो लिखा हुआ था ई वन बाई ई टू चाहिए था, ई वन बाई ई टू चाहिए, एक ये आंसर चाहिए था ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन बी. इफ आर वन ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड आर टू ग्रेटर देन कैपिटल आर देन ई वन बाई ई टू चाहिए, ये चाहिए था. सॉल्व करिए. ऑप्शन ए बी सी डी था, उसमें दो करेक्ट था, सो ये तो आसान है एकदम. इसी से देखिए आर वन लेस देन कैपिटल आर, आर टू लेस देन कैपिटल आर, ये तो इनसाइड पॉइंट हो गया. आप तो इनसाइड पॉइंट के लिए डिस्कस करेंगे. ये यूनिफॉर्म स्फीयर हुआ और यूनिफॉर्म स्फीयर के इनसाइड पॉइंट का बात हो गया ये. और जब इनसाइड पॉइंट, कोई भी पॉइंट इनसाइड के लिए, जैसे सेंटर है, सेंटर से कहीं भी इनसाइड पॉइंट डिस्कस करेंगे. तो मैंने अभी डिस्कस किया था इनसाइड पॉइंट के लिए लिखते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल आर बाई आर क्यूब. ये हम लोग पढ़े हुए थे अभी, मतलब अंदर वाले पॉइंट के लिए, जो इनसाइड के लिए फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. तो यहाँ आपको आंसर लिखना था, ये आंसर था आर वन बाई आर टू जो कि ऑप्शन में लिखा हुआ था. तो एक ऑप्शन ये करेक्ट रहेगा. देखिए ये आर वन ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये क्योंकि ये है मास एम स्फीयर का है और रेडियस ये कैपिटल आर है, तो ये रिप्रेजेंट करता है इनसाइड पॉइंट के लिए. बट आप जैसे ही आउटसाइड पॉइंट जाएंगे, आउटसाइड पॉइंट का मतलब इस तरह से आपको अगर आप आउटसाइड पॉइंट के लिए जा रहे हैं, ये आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट में फील्ड जानते हैं ये होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, ये फील्ड वन बाई आर स्क्वायर. सो आप सेट कर लेंगे यहाँ पे करेंगे ई वन तो आर वन स्क्वायर, तो यहाँ हो गया आर वन स्क्वायर और ई टू है तो ये आर टू स्क्वायर हो गया. ये था रिजल्ट आपका. तो ऐसा आईडी एडवांस क्वेश्चन था. और क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप नोट करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है. चलिए प्लानिंग करते हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है स्फेरिकली सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल. स्फेरिकली सिमेट्रिक, तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल जब बात हुआ तो यहाँ दोनों चीज हो सकता है, सॉलिड स्फेयर भी हो सकता है और होल स्फेयर भी हो सकता है. तो स्फेरिकली सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जहाँ डेंसिटी लिखा हुआ है और ये जो एक हिंट लिख रहा है कि r स्मॉल r लेस देन कैपिटल r, मतलब इनसाइड पॉइंट, अंदर में डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट है और बाहर में डेंसिटी जीरो है. अंदर में डेंसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब होलोस्फेयर के सॉलिड स्फेयर, ये तो सॉलिड स्फेयर हो गया. तो एक हिंट सबसे पहले देगा कि स्फेरिकली सिमेट्रिक, तो सबसे पहले यहां से लगेगा कि ये तो स्फेयर है, हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड स्फेयर भी हो सकता है. नाउ उसके बाद ये जो नया हिंट लिखा हुआ कि डेंसिटी, डेंसिटी आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब ये जो डेंसिटी हिंट मिल रहा है ये हो गया इनसाइड, ये इनसाइड के लिए लिखा हुआ, इनसाइड का डेंसिटी रो नॉट कांस्टेंट और आउटसाइड हो गया, आउटसाइड का डेंसिटी जीरो. आउटसाइड तो मटेरियल होता ही नहीं है, सो इनसाइड मटेरियल कांस्टेंट डेंसिटी है, इससे पता चला कि इनसाइड जो है वो सॉलिड स्फीयर है, पूरा मेटेरियल एकदम यूनिफॉर्मली भरा पड़ा हुआ,
फुटबॉल रहता तो अंदर भी डेंसिटी क्या होता, जीरो हो जाता, एयर रहता ना। अभी तो यहाँ लिखा होगा कि इनसाइड डेंसिटी कांस्टेंट। तो ये एक हिंट है, इस हिंट से सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सॉलिड स्फीयर का। जो गिवन हिंट है उससे पता चला कि सॉलिड स्फीयर है। सो आईटी एडवांस का अच्छा सा क्वेश्चन है, बट है ये चीज आपका। तो पहले तो ये लिख लेंगे सॉलिड स्फीयर और वो भी यूनिफॉर्म। सो सॉलिड स्फीयर और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सो जो इंफॉर्मेशन था उस इंफॉर्मेशन से ये पता चला कि आपका जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल ग्रेविटेशनल सिस्टम है वो एक सॉलिड या लिख लें यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। उसके आगे देखिए, उसके आप जो आगे नया क्वेश्चन डाल दिया, लिखा हुआ स्पीड ऑफ अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की टेस्ट मास होना चाहिए। क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्वेश्चन देखता हूं क्या है क्वेश्चन। स्पीड ऑफ टेस्ट मास, मैंने गलती से यहां लिख दिया है, टेस्ट चार्ज गलती से लिख दिया, टेस्ट मास एक मास के बारे में लिखा हुआ। तो स्पीड ऑफ टेस्ट मास, टेस्ट मास का मतलब पॉइंट मास, छोटा सा मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके फील्ड में ये जो इसका सेंटर हम लोग बना लेंगे, ठीक है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में स्पीड ऑफ अ टेस्ट मास, एक टेस्ट मास है उसके स्पीड के लिए ग्राफ प्लॉट करना। चलिए एक मास लेते हैं, ठीक है, एक मास को घुमाते हैं इसमें देखते हैं। मान लीजिए ये है सेंटर है और मान लीजिए कि मास यहाँ है, मास इस जगह रहा, ठीक है, ये आर डिस्टेंस पे, ये टेस्ट मास ये है, ये हुआ टेस्ट मास एम नॉट, पॉइंट मास कहेंगे या आप इसको बोलेंगे टेस्ट मास, ये लेट एम नॉट जो है वो टेस्ट मास, ठीक है, और वो एम नॉट ऐसे घूमेगा जस्ट इलेक्ट्रॉन, मानिए कि ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा, इस तरह से ऐसे रिवॉल्व करेगा विथ स्पीड वी। सो आप जानते हैं ये डिस्टेंस आर ले लेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं एक बार इनसाइड का फिर एक बार आउटसाइड का, क्योंकि क्वेश्चन में ग्राफ पूछा जा रहा है। चलिए इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये बैलेंस करेंगे इस साइड तो एम नॉट और वी स्क्वायर बाई आर से, ठीक, रेड कलर इनसाइड की बातें कर रहे हैं, इनसाइड में ध्यान रखेंगे। सो फोर्स इनसाइड के लिए हो गया एम नॉट और वी स्क्वायर बाई आर, ठीक, फोर्स इज इक्वल टू एम नॉट इंटू ई हो जाएगा। फोर्स जो है ये फोर्स होगा एम नॉट और इंटू ई इनसाइड पॉइंट के लिए एम नॉट वी स्क्वायर बाई आर, एम नॉट कट गया। सॉलिड स्फीयर के अंदर में, सॉलिड स्फीयर के अंदर, यहाँ पे कई लोग पूछते हैं ये कैसे लिखा आपने, तो कल तो पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट मास ऐसे होता है, तो फोर्स जो हो गया वो ई इंटू एम नॉट। और आज पढ़े हैं कि इनसाइड सॉलिड स्फीयर के अंदर जो फील्ड होता है, देखिए जी कैपिटल एम स्मॉल आर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ वी स्क्वायर बाई आर। अब आप सोचेंगे ये आर इधर गया, आर स्क्वायर हो गया, बाकी चीज कांस्टेंट है, रूट लेंगे तो इनसाइड पॉइंट के लिए स्पीड प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, इनसाइड के लिए इनसाइड पॉइंट के लिए स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर हो गया, आधा मिल गया। नेक्स्ट आउटसाइड, चलिए सोचिए कि ये पार्टिकल यहां चला है, ये पार्टिकल यहां पे है टेस्ट मास और ये ऐसे मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस आर है, यहां स्पीड वी है और इधर फोर्स बैलेंस करेंगे और इधर जाएगा एम नॉट वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट के लिए, ये पॉइंट इनसाइड पॉइंट, इनसाइड के लिए एक बार आउटसाइड के लिए चेक करेंगे, आउटसाइड के लिए फॉर आउटसाइड पॉइंट आप लिख लेंगे कि ये हम लोग बातें कर रहे हैं कि फॉर इनसाइड पॉइंट।
चलिए ग्रीन कलर का आप बनाएंगे फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए, सेम चीजें फोर्स एग्जैक्टली सेम लिखना है, आउट के लिए आउटसाइड के लिए फील्ड जानते हैं, तो आप लिखेंगे फॉर आउटसाइड पॉइंट फोर्स एम नॉट वी स्क्वायर बाय आर, फोर्स इज इक्वल टू एम नॉट इनटू ई, सो एम नॉट वी स्क्वायर बाय आर, सो एम नॉट यहां एम नॉट और एम नॉट कैंसिल हो गया। नाउ आउटसाइड पॉइंट के लिए यहां पे फील्ड जो हो गया वो हो गया जी एम आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, आर और आर कैंसिल हो गया, सो स्पीड जो हुआ वो हो गया अंडर रूट जी और एम बाई आर, सो जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल टू वन बाई अंडर रूट आर, सो ये ग्राफ जो होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आउटसाइड पॉइंट के लिए। ऑप्शन में आप चेक कर लेंगे ऑप्शन ए बी सी डी जो था उसमें आईटी एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें आप सर्कुलर मोशन एटॉमिक स्ट्रक्चर इनसाइड पॉइंट के लिए फोर्स या फील्ड आउटसाइड पॉइंट के लिए फोर्स फील्ड ये सॉलिड स्फीयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा एक और मैं आईडी मेन का क्वेश्चन देता हूँ और वो भी काफी अच्छा है, उस टाइप का क्वेश्चन भी एकाक मेडिकल में भी पूछा हुआ, तो मैं अभी पहले मेन का क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं यहाँ प्रेजेंट करूंगा क्वेश्चन, आप ड्रॉइंग बनाएंगे उसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था और आईडी मेन का ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पे एक मेडिकल का भी मैं क्वेश्चन दूंगा वो भी अलग है, एकदम अच्छा क्वेश्चन। सो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है और उसका मास m है और रेडियस r है, उसमें से एक स्फेरिकल पोर्सन ऑफ रेडियस r बाई टू एक कैविटी कट करना है, उसमें से एक कैविटी ऐसे कट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, सो सॉलिड स्फीयर है और उसमें कटिंग भी है, ऐसे क्वेश्चन आप कितना पढ़े हुए हैं, सेंटर ऑफ मास कट करना मैंने सिखाया था, मोमेंट ऑफ इनर्सिया कटिंग करना ऐड करना सब मैं सिखाया था, वैसे ही ग्रेविटेशन में सेम चीज़ें आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि कट करना, सो आपको एक पोर्शन कट कर लेना है और कट करके इसके सेंटर पे, इस सेंटर पे हमें चाहिए था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ कैविटी, ठीक, चलिए पोटेंशियल तो स्केलर है तो सिंपल आप ऐसे प्लानिंग करेंगे, देखते हैं क्या क्या प्लानिंग करेंगे, तो मुझे ये चाहिए ना, मुझे सोचिए ऐसे ड्राइंग एक बार मुझे बनाने दीजिए, तो मुझे ये ऐसे ये ऐसा सेक्शन चाहिए, ये ए पॉइंट है ये पॉइंट ओ कर लेंगे, तो मुझे ऐसा फिगर चाहिए, ठीक है। अच्छा ये कैसे मिलेगा, तो ये इसको आपको बनाना है तो इसके लिए आप एक पूरा स्फेरिकल ऐसे सेल ले लेंगे जिसका सेंटर बनाएंगे ओ और ये पॉइंट मार्क करेंगे, ये पॉइंट है ए ऐसे मार्क करेंगे और माइनस माइनस इसमें से ये पोर्शन घटा लेंगे, ये पोर्शन आपको घटाना है उसमें से, ये क्या हो गया, ये सेंटर है ए और ये रहेगा ओ, तो ये सेक्शन आपको घटाना है, ठीक है ऐसे, तो अगर आप सोचे ऐसे इमेजिन करें कि ये पार्ट कैसे मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का, ग्रेविटेशन का या इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का सेम कॉन्सेप्ट है, ये कैसे मिलेगा, तो ये मिलेगा एक बड़ा सा स्फीयर ले लेंगे सॉलिड स्फीयर, उसमें से एक छोटा वाला स्फीयर घटा लेंगे, इसको आप बोलेंगे कि ये है वन और ये टू, और आप बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट वन ए चाहिए, तो बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू द वन और माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू द टू, आपको ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि घटाना है ना, तो ड्यू टू टू, ठीक, चलिए ए पॉइंट। अब फर्स्ट के लिए पढ़ते हैं, फर्स्ट के लिए
देखिए एकदम आसान है, बट वो रिजल्ट यूज करना आपको, जो मैंने आपको सिखाया था इनसाइड सॉलिड स्फेयर। देखिए फर्स्ट के लिए पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्फेयर, फर्स्ट के लिए पूरा स्फेयर का मास m है, ठीक है, और इस स्फेयर का रेडियस जो है वो कैपिटल R है, ठीक है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये जो छोटा वाला डिस्टेंस होता है, ये यहाँ से इसका डिस्टेंस है, ये स्मॉल r जो हो गया पेपर में लिखा हुआ है, चेक कर लेंगे, r बाई टू पे है, ठीक है। ऐसे मैं रिजल्ट लिख लूँगा, बट अभी सोचेंगे, अभी चूँकि प्लान बनाने दीजिए, हमें इस पॉइंट पे निकालना है। तो ये तो इसका सेंटर ही हो गया, ये एक छोटा स्फेयर है जिसका रेडियस है r बाई टू, ठीक है। इसका मास हमें नहीं पता है, मास नहीं पता, उसका मास निकालना है, ठीक है। उसका मास अगर निकल जाए तो फिर हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए मास बना लेंगे, कोई कोई सुनी है तो देखिए आपका ऐसे बताएंगे हम लोग। मैं इसको मिटा दूँ, ये क्वेश्चन फिर से आएगा, एक बार फिर से आएगा, मैं इसको मिटाता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। है आसान है, बट थोड़ा सा प्लानिंग करना है आपको, तरीका वही है जो पहले आप पढ़े हुए। देखिए अब देखिए यहाँ पे बड़े वाला स्फेयर के बारे में सोचेंगे कि ये बड़े वाला स्फेयर है, ऐसे बड़ा वाला स्फेयर है, इसका वॉल्यूम है 4/3 और पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तो इतने वॉल्यूम का मास जो है, इतने वॉल्यूम है इसका मास है एम, तो ये एम है और इतना वॉल्यूम है इसका मास है एम, ठीक है। अब इसको अगर मैं छोटा कर दूं, सोचूं कि ऐसे छोटा कर दूं, ऐसे, ठीक है, इसका रेडियस है आर बाई टू, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 4/3 अब पाई आर क्यूब आप बाई 8 कर दूं, आर बाई 2 कर दूं, तो आर क्यूब बाई 8 करूं, तो इसका मास क्या हो जाएगा, तो इसका मास हो जाएगा एम बाई 8। चेक कर लेंगे आप वॉल्यूम, अगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, इतना स्लो का स्लो थोड़ा सिखाया जाता है, तो m लिख सकते हैं डिवाइड बाय, ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब बाय 8 ऐसे करेंगे, तो इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मास हो जाएगा m बाई 8 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उस ब्लॉक का जो मास हुआ, इसका मास तो पता चला सॉलिड स्फीयर का कि ये है m बाई 8, ठीक। अब रुकिए, अब यहाँ बताएंगे आप, अगर कोई सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के यहाँ से इस डिस्टेंस r पे, मान लीजिए पॉइंट A है, और इस जगह पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो, सो मैंने आपको बताया था माइनस, मैंने बताया था माइनस जी एम 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और डिवाइड बाई यहाँ पे था आपका 8 आर क्यूब। मैं आपको रिजल्ट बताया था कि इनसाइड पॉइंट सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में पोटेंशियल का ये रिजल्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखिए वहाँ पे, देखिए अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से है बड़ा आसान, बस थोड़ा सा आपको एक्सपर्ट रहना है। पोटेंशियल एट ए, इसको लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा इसके लिए, माइनस जी कैपिटल एम पूरा मास है एम, 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय 8, ओह सॉरी सॉरी नॉट 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 8 नॉट 8 टू टू आर क्यूब नॉट 8 एट नहीं टू आर क्यूब टू आर क्यूब मिस्टेक सो टू और आर क्यूब। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे अभी, तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, कैपिटल आर बाई टू है इसके लिए। नेक्स्ट 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 बगल वाले के लिए माइनस, ध्यान रखेंगे फिर से इसके लिए, इसके लिए हमें इस पॉइंट पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है ए पॉइंट पे, तो लिखेंगे ऐसे माइनस जी मास, इसका मास हो गया एम बाई 8, एम बाई 8 हो मास, यहाँ देखेंगे 3 आर क्यूब आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर समझिए, इसका रेडियस है, बट इसका रेडियस कितना है आर बाई 2 आर बाई 2, सो आर बाई 2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और डिवाइड बाई
एट नहीं भाई, एट क्यों मिस्टेक हो रहा है, टू। रेडियस, इसका रेडियस है आर बाई टू, आर बाई टू का होल क्यूब। बट इसके लिए ध्यान रखेंगे, इसका सेंटर पे निकालना है तो इसके लिए आर का वैल्यू जीरो, क्योंकि यहां ए पॉइंट क्या है, इसका सेंटर है, और यहां ए पॉइंट है, यहां सेंटर से आर डिस्टेंस पे, उसके लिए तो आर सेंटर हो गया ना, ए पॉइंट क्या हुआ आपका, सेंटर हो गया इसका, तो सेंटर के लिए स्मॉल आर जीरो हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, ऑप्शन चेक कर लेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे आप। सो कटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, और एक और क्वेश्चन है इससे भी अच्छा है वो क्वेश्चन, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, सो माइनस जी एम और टू आर क्यूब, और यहां जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो गया, सो थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय फोर, स्मॉल आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर बाय फोर, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और इसमें आर जीरो करेंगे तो यहां पे हुआ थ्री जी एम बाई थ्री हो गया, और जी एम बाय टू, स्मॉल आर जीरो कर लीजिएगा, यहां पे आ गया आर बाई टू, आर बाई टू, और यहां पे आर बाई टू, तो सिर्फ आर हो जाएगा। सॉल्व करें, आपको बस सॉल्व करना है, इसमें कंप्लीट करना है, मैं इधर मिटा रहा हूं और फाइनल ऐड करेंगे आप। सॉल्व करिए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस जी एम, सो टू आर, थ्री माइनस वन बाय फोर, सो थ्री माइनस वन बाय फोर और प्लस थ्री जी एम बाय आर, ये हो गया ट्वेल्व माइनस वन इलेवन, सो टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो टू टू सिक्स सिक्स माइनस एलेवन, सो माइनस फिफ्टीन, सॉरी सिक्स माइनस एलेवन माइनस फाइव, और जी एम डिवाइड बाई टू आर, सॉल्व कर लीजिए, माइनस फाइव जी एम बाई टू आर, चेक कर दीजिए, तो गड़बड़ हुआ कुछ, ऐसा नहीं है, कहाँ मिस्टेक हुआ, रिचेक करेंगे एक बार, कहाँ मिस्टेक हुआ हम लोग से, रिचेक करेंगे आप, यहाँ पे मिस्टेक नहीं, हाँ एक मिस्टेक यहाँ दिख रहा है, एक मिस्टेक यहाँ दिख रहा है, कैलकुलेशन 12 माइनस वन 11, 11 तो हो गया जी एम बाई फोर, यहाँ पे 4 यहाँ छोटा था, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई टू 8, 8 आर, सो कैलकुलेशन मिस्टेक था, सो 8 आर, और अब हम लोग मल्टीप्लाई करना 8, अब चेक करेंगे और रिचेक करते रहेंगे, वहाँ पे 3 जी एम बाई आर, सो 8 मल्टीप्लाई करना है, 8 करना है 24, और 24 और माइनस 11, 24 और 13 जी एम बाई 8 आर, वो भी आंसर नहीं है, आंसर जो जो आंसर है मैं लिख देता हूँ, माइनस 2 जी एम बाई 8 आर, 3 आर, 2 जी एम बाई आर, एक बार चेक करेंगे कैलकुलेशन, शुरू से चेक करिए तो कहीं मिस्टेक कहाँ पे हुआ, जी एम बाई 2 आर डी है, माइनस जी एम बाई आर, एक बार मैं रीडिंग भी करूंगा, मिस्टेक होता है तो चेक करते हैं, सॉलिड स्फीयर रेडियस एम, रेडियस आर, मास एम, स्फेरिकल पोर्शन आर बाई टू, रिमूव, फिगर भी सही लिखा हुआ है, सो इन द फिगर टेकिंग इनफाइनाइट इज, ठीक है, सेंटर ऑफ कैविटी, सेंटर ऑफ द कैविटी, कैविटी के सेंटर पे चाहिए, ठीक तो है, सो रिचेक करेंगे आप,
करिए वहाँ पे, अगर मास हुआ तो ठीक तो है, मास m/8। देखिए देखिए यहाँ पे m/8 लिखना था, m/8, यहाँ तो m लिख दिया मैंने, यहाँ पे मिस्टेक हो। सो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, मिस्टेक हो जाता है आपका, बट वो पता चल जाएगा कहीं ना कहीं मिस्टेक। ये सब सब सही है, यहाँ यहाँ मास है m/8, तो यहाँ मास m/, यहाँ पे 8 और 2 रहेगा, 2 रहेगा आपका। तो रुके, करेक्शन करेक्शन कहाँ पे है, m/, ये तो 2 रहेगा आपका, ये 2 तो पोटेंशियल के चलते आया है, बट m/8 है यहाँ पे, m/8 ऐसे था, ठीक है। तो वो वहाँ पे मिस्टेक हो रहा था हम लोग का, बाकी और सब चेक कर लेंगे, ये ठीक है आपका। और यहाँ पे अगर आप r0 करेंगे सो 3, और यहाँ पे हो जाएगा और 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, एक बार रीचेक करेंगे आप। सो 3 3 यहाँ रहेगा, r/2, सिर्फ r/2, 8r, ठीक है आपका। सो यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे 8 मैं कर लेता हूँ। सो 8 9 10, सो अब घटाएंगे इसमें 3, सो -8 gm/8r, 8 और 8 कैंसिल हो गया, सो -gm/r। सो आंसर मैं एक बार चेक कर लूंगा, आपका आंसर है ना इसमें डी है, मैं एक बार आंसर में मिला लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 था आईटी मेन का, क्वेश्चन नंबर 22 डी करेक्ट, ठीक करेक्ट। सो कैलकुलेशन एक्चुअली बड़ा था और इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मुझसे, वो m/8 वहाँ लिखने में, तो ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा था, तो वो तो पता चल जाता है कहीं ना कहीं मिस्टेक है। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट मेन सीखना है, बाकी कैलकुलेशन तो आप अपने से करना है। तो थोड़ा मिस्टेक हुआ तो वो रीचेक करना भी सीखना है कि कैसे हमसे, अगर मिस्टेक होता है या आप भी क्वेश्चन बनाते हैं घर पे, मिस्टेक होता है तो रीचेक कैसे करना है वो सीखना था। तो करेक्ट आंसर ये हुआ था। ऐसे ही एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, वो इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बट वो है कोई मेडिकल एग्जाम है, नीट का तो नहीं है, एम्स का भी नहीं है, जो पहले एग्जाम हुआ करता था अलग अलग स्टेट का बोर्ड का, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग उसका एग्जाम का है। तो क्वेश्चन है मेरे टेबल पे, काफ़ी अच्छा सा था क्वेश्चन, तो मैं प्रेजेंट करता हूँ, सॉल्व भी करता हूँ उसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमटी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, कुछ ड्राइंग भी मैंने यहाँ बना दिए हैं, ये मैं हटा देता हूँ आपको। सो ये क्वेश्चन है मेडिकल क्वेश्चन है आपका, और ये सेम वही आईटी मेन का क्वेश्चन उसी पैटर्न जैसा है। सॉलिड स्फेयर है, मास m, रेडियस r, उसमें से एक स्फेरिकल कैविटी निकालना है, एक स्फेरिकल कैविटी जिसका रेडियस r/2 है वो अलग करना है। अब हम लोग को क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन कैविटी, ये कैविटी का सेंटर और स्फेयर का सेंटर, इनके बीचों बीच पे एक्स इज इक्वल टू r/4 लिखा हुआ एक पॉइंट मास एम नॉट रख देना वहां पर, उस पॉइंट मास एम नॉट पे फोर्स कितना होगा वो निकालना है। तो आप जानते हैं, ठीक है, अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू नाउ एम नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। तो जैसे उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना था कैविटी के अंदर, उस तरह यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, बट इस पॉइंट पे, ये कैविटी के सेंटर स्फेयर के सेंटर के बीचों बीच में मैंने ड्राइंग कर दिया, वही ड्राइंग जो पोटेंशियल में पड़े थे, कि अगर मुझे इस पॉइंट पी पे, मान लीजिए ये पॉइंट को मैं कुछ नेम दे दूँ, जैसे ये पॉइंट को मैं कर दूँ कि ये पॉइंट पी है, ठीक है, तो पी जो दोनों के सेंटर पे रहेगा, तो ये डिस्टेंस लिखा हुआ r/4, तो ये वाला भी r/4 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है r/2 है, तो आधा इधर आधा इधर, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड निकालना है, ठीक है, उससे पहले पोटेंशियल आप निकाल देते हैं, फील्ड निकालना है, ये पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस बराबर, अगर इसका मास एम पड़े हुए थे तो इसका मास m/8 हो जाएगा, जो अभी आप डिस्कस किए थे, ठीक है।
हाँ फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में थोड़ा डायरेक्शन भी देखेंगे कि इसका फील्ड का डायरेक्शन जो रहेगा इसके सेंटर की तरफ रहेगा और यहाँ फील्ड का डायरेक्शन इधर इसके सेंटर की तरफ टुवर्ड ए रहेगा। ठीक है, अब हमें बनाना है फील्ड एट पॉइंट पी। सो अब फाइनली हम लोग यूज कर रहे हैं कि फील्ड एट पॉइंट पी, तो फील्ड एक वैक्टर क्वांटिटी है, तो फील्ड एट पॉइंट पी और ड्यू टू वन के चलते लिखना है माइनस और फील्ड एट पॉइंट पी और ड्यू टू टू सेकेंड के चलते लिखना है, क्योंकि कटिंग है फर्स्ट वाला सेकेंड वाला कट करना। नेक्स्ट फील्ड एट पॉइंट पी, अच्छा यहां देखेंगे ठीक है आपका है स्फेयर है सॉलिड स्फेयर और इनसाइड पॉइंट, सॉलिड स्फेयर के इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग पढ़े हुए थे कि जी टोटल मास कैपिटल एम, डिस्टेंस है एक्स और यहाँ पे होता है आर क्यूब, और अगर डायरेक्शन पढ़ेंगे तो इसका डायरेक्शन देख लें, इसका डायरेक्शन माइनस आई है इधर की तरफ, डायरेक्शन इधर की तरफ है क्योंकि ये एक वैक्टर है, पोटेंशियल स्केलर था बट ये वैक्टर है माइनस। यहाँ देखेंगे इसके लिए, इसके लिए ये भी एक सॉलिड स्फेयर है जिसका मास m बाई एट रेडियस r बाई टू है और हमें इनसाइड पॉइंट के लिए फील्ड चाहिए जो हम लोग जानते हैं। फिर से देखेंगे यहाँ पे g मास m बाई एट डिस्टेंस x, g मास मास की जगह m बाई एट डिस्टेंस डिस्टेंस x हुआ, r क्यूब तो r क्यूब का मतलब हुआ r बाई टू का होल क्यूब ऐसे, और इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन रहेगा आई की तरफ, यहाँ आई एस आई की तरफ डायरेक्शन उधर। ठीक है, सॉल्व करेंगे जरा फील्ड एट पॉइंट पी, यहाँ सॉल्व करेंगे तो जी एम एक्स आर क्यूब, यहाँ माइनस आई और माइनस यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो जी एम एक्स और ये भी हो गया कट गया आर क्यूब और ये है i, सो ये माइनस है, आप माइनस को इधर भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस को इधर कर लेंगे तो ये आपका माइनस i, ये भी है माइनस i, सॉल्व करेंगे तो पॉइंट p पे जो फील्ड हुआ वो है माइनस टू जी कैपिटल m x बाई आर क्यूब, ये i ऐसा कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते रहेंगे और x का वैल्यू आप पुट कर लेंगे, x का वैल्यू पुट कर लीजिए r बाई फोर, पुट करिए वहां पे x का वैल्यू r बाई फोर और उसके बाद जो फील्ड एट पॉइंट p आ गया वो आप लिख सकते हैं r बाई फोर कर लेंगे तो r कट जाएगा और यहां पे हो जाएगा 2, सो 2 कट जाएगा तो माइनस g कैपिटल m और यहाँ पे r बाई फोर, सो यहाँ पे 2 r स्क्वायर माइनस में डालेंगे, माइनस का मतलब ये हुआ माइनस i लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, अब फाइनली फोर्स लिखते हैं, फोर्स फोर्स जो था फोर्स इज इक्वल टू जो है फोर्स एट पॉइंट p, सो ये आप जान रहे हैं कि फोर्स m नॉट इंटू e, सो m नॉट इंटू फील्ड एट पॉइंट p, सो फोर्स एट पॉइंट p जो हुआ वो है आपका यहाँ पे सॉल्व करेंगे सो जी एम एम नॉट बाई टू आर स्क्वायर और ये है वेक्टर माइनस आई, ये है फोर्स, मैग्नीट्यूड चाहिए मैग्नीट्यूड में ही ऐसे था। सो जी एम एम नॉट बाई टू आर स्क्वायर, तो एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लेंगे कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है आपका, मैं ऑप्शन भी देख लेता हूँ, आप रीचेक करें कैलकुलेशन रीचेक करेंगे आप। ठीक है, एक तो ऑप्शन है उसमें तो एक बार रीचेक कर लेंगे। ठीक है, आप इनसाइड पॉइंट के लिए पढ़े थे, इनसाइड पॉइंट के लिए ये ठीक है आपका, इनसाइड पॉइंट के लिए यहाँ भी करेंगे m बाई एट हो गया, रेडियस है r बाई टू होल क्यूब, एकदम करेक्ट, ये कट गया कट गया, ये माइनस माइनस ठीक सब सही है, x का वैल्यू r बाई फोर आर बाई फोर आर बाई टू टू कट गया टू एकदम करेक्ट। तो ये था आपका फोर्स और फील्ड जो सॉलिड स्फीयर के चलते, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और भी क्वेश्चन हैं, तो आज के लिए इतना ही, और इससे आपको ये सीखना है जैसे ये इन सब क्वेश्चन से आपको ऐसे पॉइंट समझना है, सीखना है आपको।
जैसे कुछ इनसे रिजल्ट भी सीखा कीजिए जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं आप। जैसे ये सीखना आपको कि मान लीजिए आपके पास होलो स्फीयर है, ठीक है, और होलो और स्फीयर है, होलो स्फीयर के किसी भी पॉइंट में ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड, आप जो बोलते हैं इनसाइड, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो जीरो। आप पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी रहेगा, होलो स्फीयर में इनसाइड जीरो। बट अब थोड़ा सा आपको और बढ़िया लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए यूनिफॉर्म होलो स्फीयर, ठीक है, होलो स्फीयर की जगह यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म और होलो स्फीयर, ये आपको जाना चाहिए। बट हो सकता है मैं ऐसे दे दूं, जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में मान लिया कि मैं होलो स्फीयर ही दूं, बट ऐसे दे दूं, मैं बोलूं कि मेरे पास होलो स्फीयर है और ऐसे मैं बोल दूं, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म है और यहां मटेरियल है, इधर देखिए इधर मास है या चार्ज है, ऐसे, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा, अभी क्वेश्चन आपने मेडिकल क्वेश्चन देखा, अभी आईटी मेन का क्वेश्चन देखा, ये सब बेस्ट क्वेश्चन है। चाहे अभी आपने देखा कि ऐसे इस तरह कर दिया आपने और यहाँ एक कैविटी बना दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया आप, तो ये सब भी तो होलो स्फीयर है। देखिए ये भी होलो स्फीयर है, ये भी होलो स्फीयर है, बट इन सब के बीच में फील्ड जीरो नहीं होगा, ये यूनिफॉर्म, जब पूरा मास एकदम एकदम बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए तो अभी आपने फील्ड निकाला यहाँ पे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये भी तो खोखला है, होलो स्फीयर है, बट ये नॉन यूनिफॉर्म, इधर मटेरियल ज़्यादा है, इधर भी मटेरियल ज़्यादा है, इधर कम है, इनमें जीरो नहीं होगा। तो सब सीखना है आपको कि यहाँ पे जीरो नहीं होगा, सो यहाँ पे फील्ड इनसाइड नॉट जीरो या फील्ड इनसाइड नॉट जीरो। तो ये आप सिर्फ जो क्वेश्चन बनाते हैं उससे कुछ सीखते रहिएगा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म होलो स्फीयर है, फील्ड नॉट जीरो। फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड नॉट जीरो। तो आज के लिए इतना ही, सॉलिड स्फीयर बहुत हो गया, सो नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा और मैं बताऊंगा। सॉलिड स्फीयर में 30 मिनट 40 मिनट और क्वेश्चन है, कुछ एचसी वर्मा सर के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो मैं डिस्कस कर दूंगा, और आपको डेरिवेशन भी सिखाना था ना, मैंने बोला था, तो मैं सिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास आपको, और रिंग और डिस्क दो ऑब्जेक्ट और हैं, तो दो या तीन क्लास और लगेगा, कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास तक खत्म करने के लिए।